हम इस समय मौजूद हैं पेहोवा के एक धरने पे। यहाँ पे किसानों ने 152D रोड में जो जमीन अधिग्रहण करनी है उसको लेकर के यहाँ पे धरना दिया हुआ है पिछले कुछ 10 दिनों से। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे किसान अपना खाने पीने का सामान लेकर के बिल्कुल पूरी तरीके से गैस सिलेंडर और खाना बनाने का सामान और मच्छरदानी तक पंखे लेकर के यहाँ पे दिन रात अपने अड्डे पर इस पे डटे हुए हैं। अभी दोपहर का समय है, खाना खा रहे हैं सभी किसान। सो किसानों से जानकारी ले लेते हैं कि इनका और इसके बारे में क्या कह इसी के साथ ये हमारे यहाँ पे नथ साहब हैं, जो एडवोकेट साहब हैं, वो किसानों के इस धरने में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तो इनसे आज कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना है जी आपका धरने के लेकर? वही किसानों की बहुत जैन और बिल्कुल जायज डिमांड है और पैसे में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पीछे पैसा बहुत ज्यादा देता जा रहा है, इतने किसानों ने बहुत घट पैसा देता जा रहा है और पैसा घटो घट 1 करोड़ रुपया पर एकड़ का होना चाहिए। जिन्ना कोई इसमें लागत है, खर्चे ने, टूल लगे ने, और पैसा जरा 40-50 हज़ार ये बहुत घट पैसा है, लख जरा पैसा है। और इस एरिया ने खास तौर पर जाना भेदभाव किया जा रहा है। पिछले भी जो बनी सी नैशनल हाईवे एज ए 4 लेन बनी सी, भी जरा बहुत नुकसान किया, पेवे के किसानों ने बहुत घट पैसा दिता है, पिछले बहुत पैसा ज्यादा देता है कैथल वाल। आज बहादुरगढ़ में पूरे हरियाणा भर से सभी किसान इकट्ठे हुए हैं SYL का और भूमि अधिग्रहण का लेकर के। उन्होंने जो दो मुख्य मुद्दे रखे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है जी? नहीं, वो पानी आना चाहिए SYL का, यहाँ पर अपना हरियाणा को मिलना चाहिए। ये हरियाणा की किसानों की मेन डिमांड है, हरियाणा की डिमांड है, वही हक है हरियाणा का। और वो पैसा जो है ना, पानी आना चाहिए और ये पानी यहाँ भी आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में भी उसका कोई ऐसा हो ताकि इस किसानों को भी मिले, आगे ना जाए यहाँ भी आए। और वो पैसा किसानों का हक है, हरियाणा के किसानों का हक है, वो पैसे मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। इसके साथ जी और किसान बैठे हैं जी, उनसे हम आप बताइए जी, कितने दिन से आप धरने पे बैठे हैं? 8 दिन हो गए जी। हाँ जी। और दिन रात रहते हैं या रात को चले जाते हैं? नहीं जी, रात को भी रहते हैं यहाँ। ये मच्छरदानी लगा रखी है, रात को मच्छरदानी लगाते हैं जी, रात को भी हम सारे जने यहीं रहते हैं। क्या डिमांड रखते हो सरकार से? सरकार से यही रखते हैं, मान लो 2 करोड़ हमारे को मिलना चाहिए जो पहली का मुआवजा है। हमारे खेत हैं जो से वो सबसे उत्तम और बढ़िया खेत हैं, यहाँ 3-3 फसलें होती हैं और बढ़िया पानी है यहाँ का, और हमको फिर भी मुआवजा सब एरिया से कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, हमारे साथ ये जाति क्यों हो रही है? ये सरकार है जो सी वैसे तो कहती है अभी सब एक होना चाहिए, हिंदुस्तान सब एक है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक भेदभाव क्यों है? सब जगह एक ही चीज़ होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे गंगेड़ी से लेके नारलौन तक एक ही मुआवजा हमें मिलना चाहिए। और क्या कहना है जी? ऐसा है जी, देखो हम तो अपने कानून के हिसाब से मांग रहे हैं, कानून से बाहर नहीं जा रहे। ये एक तरफ तो कहते हैं जी सब कानून एक है जी, ये सब संविधान एक है जी, वहाँ इतने बिल पास किए जाते हैं, इतना वहाँ लोग रौला पाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ जो सा है वो हमारे साथ भेदभाव चल रहा है सब किसानों के साथ। हम तो कहते हैं भी एक ही चीज़ होनी चाहिए, हम कानून से बाहर नहीं है, कानून के दायरे में रह के हम ये अपना हक मांग रहे हैं भी, सबका एक ही करो जी। तोड़ तक हमें 2 करोड़ का मुआवजा हमें कम से कम मिलना चाहिए, इससे कम तो हमारा बनते ही नहीं है। एक्ट है, हमारे वकील साहब कहते हैं, रमेश दलाल जी कहते हैं, हमारे साथ बैठ के मीटिंग कर लो, सब मीटिंग करके जो सा हमारा सही हक बनता है वो हमें दे दो, हम कानून से बाहर थोड़ी जा रहे हैं। कोई कानून के हिसाब से हमारा 2 करोड़ से कम बनता है, वो हमें मिलना चाहिए। वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनका धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ किसानों की ऊपर तक जा सके। धन्यवाद साथियों।